तो मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल पर देखकर आप भी आ गए 201 रुपया का नया जियो फोन लेने। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे 201 रुपया में आप एक नया जियो फोन ले सकती हैं और कहां से आपको मिल सकता है और कैसे आपको लेना है। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं INT हिंदी टेक का यह एक्सक्लूसिव वीडियो। और बिल्कुल 201 रुपया में पैकेज के साथ एक नया जियो फोन आपको मिलेंगे। अगर आप पहले से जियो फोन ले रखे हैं फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो, और अगर आप एक नया लेना चाहती हैं तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बस आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है, छोटा सा दिमाग लगाना है। वो दिमाग हम आपको लगा कर देंगे कि कैसे आपको दिमाग लगाना है और किस तरह से 201 रुपया में आपको एक नया जियो फोन पड़ेगा। बस आपका काम यह है कि सिर्फ वीडियो को अंत तक वॉच करना है और ध्यान से हमारे बातों को सुनना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पहले से जियो फोन है तो आप जरूर रिचार्ज करवाती होंगी, और एक साल की रिचार्ज की कीमत अभी हो गए हैं 899 रुपया। ये आप सभी को पता होगा, जिसमें आपको एक साल के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिल जाता है, जियो ऐप्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके साथ ही कुल 24 GB की डेटा आपको इसमें मिलती है। हालांकि ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो नया जियो फोन आप लेती हैं या फिर पहले से आपके जियो फोन है, वो क्या होता है कि एक साल बाद जो है स्लो हो जाता है, उसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, ऐसा लगता है कि खराब होने लगा। अगर आपको फोन कॉल आती हैं तो वहाँ पर आप कितना भी क्लिक करोगे पता चलेगा कि उठ ही नहीं रहा, या फिर आप कॉल लगाते हो तो जल्दी कीपैड काम नहीं करता। मैक्सिमम अगर हम बात करें ना तो 2-2.5 साल नया जियो फोन का बहुत हो गया। हालांकि कोई कोई जियो फोन अच्छा खासा चलता है, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा। हालांकि मेरे पास जो जियो फोन था वो कुछ इस प्रकार के सिचुएशन था, कुछ इस प्रकार के स्थिति था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब 201 रुपया कैसे पड़ेंगे, तो अगर आपके पास पुराना जियो फोन है तो क्या करो कि उसमें आप रिचार्ज मत करवाओ, ठीक है। अगर रिचार्ज समाप्त हो गया तो आप रिचार्ज मत करवाओ, एक छोटा सा दिमाग लगाओ जिससे 201 रुपया का जियो फोन भी हो जाए और आप यहां पर रिचार्ज का भी लाभ उठा सके अनलिमिटेड, ठीक है। तो आइए बताती है पूरा प्लानिंग क्या है और किस तरह से जियो का पैकेज है और जियो का ही जो ऑफर है उसी ऑफर के तहत हम लोग लेंगे 201 रुपया में एक नया जियो फोन। तो आइए देखते हैं। और याद रहे, सिर्फ जियो फोन नहीं मिलता है, उसके साथ सिम कार्ड भी मिलता है और कोई ना कोई रिचार्ज अमाउंट का जो पैकेज है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ जियो फोन ही हमें मिलेगा, जाएंगे 201 रुपया लेकर और एक नया जियो फोन दे देगा, ऐसा नहीं है। पूरा आपको लेना पड़ेगा, उसमें कहना पड़ेगा कि आप कितने दिन के लिए रिचार्ज करवाते हैं। इसमें चलिए बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जियो की ऑफिशियल वेबसाइट से तो आप परिचित हैं, तो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट और जो जियो फोन है वो यही है। जियो फोन नेक्स्ट मत समझ लेना, जियो फोन जो कि जियो फोन इंडिया का है स्मार्टफोन, और ये कीपैड वाला जिसमें फेसबुक भी चलेगा, व्हाट्सएप भी चलेगा और यहाँ पर यूट्यूब भी चलेगा और जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, ये सभी फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। तो इनका पैकेज क्या आता है, तो सबसे पहले बात कर लेती हैं कि अगर आपके पास जियो फोन है या फिर नया जियो फोन लेती हैं और उसके बाद अगर आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है तो एक साल के लिए आपको 899 रुपया देना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिसमें आपको 24 GB की डेटा मिल आती है, एक साल की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाता है और जियो ऐप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन दूसरा पैकेज आप इनका देखोगे तो 1499 का है, 1499 में एक नया जियो फोन आपको ये देंगे और एक साल के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 24 GB की डेटा। तो भाई यहां पर 899 रुपया में एग्जिस्टिंग यूजर को मिल रहा है और 1499 रुपया में आपको एक नया जियो फोन भी मिल रहा, तो इसमें क्या है कि आपको 600 रुपया देना पड़ रहा जियो फोन का, नया वाला का, तो भाई प्राइस तो ज्यादा है, तो पैकेज बढ़ती है। अब यहां पर आता है 1999 का, 1999 में आपको एक नया जियो फोन मिल जाता है, ध्यान से सुनिएगा, और 2 साल के लिए आपको प्लान मिल जाता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकती हैं और कुल 48 GB डेटा आपको मिल जाती है। तो भाई 899 में 24 GB, तो 899 का डबल करेंगे तो यहां पर 48 GB मिल जाएगा, लेकिन अमाउंट भी तो डबल हो जाएगा ना, 899 प्लस 899, लेकिन इसमें एक नया जियो फोन भी आपको मिलता है। तो कैलकुलेटर पर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से 201 रुपया आपको देना है जियो फोन के लिए एक्स्ट्रा।
तो यहाँ पर देखो एक साल के लिए अगर आप रिचार्ज करते हो तो 899 रुपया, वही अगर आप दो साल के लिए करते हो तो 1798 रुपया आपको देना पड़ता है। लेकिन जियो क्या कहती है कि आप दो साल के लिए अनलिमिटेड ले लो और मात्र 1999 रुपया हमें दे दो, ठीक है। तो इसमें से माइनस करती है 1999 रुपया, तो माइनस 201 आया। मतलब ये कि 1999 अगर आपको लग रहा है तो ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं 201 रुपया, जिसके बदले में आपको एक नया जियो फोन भी दे रहे हैं। तो अगर आप दो साल के लिए रिचार्ज करते हो तो बेहतर है कि आप ये वाला पैकेज ले लो, जिसमें क्या है कि 201 रुपया ही तो एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, और एक नया जियो फोन आपको मिल रहा। लोग तो मोबाइल फोन की वारंटी एक्सटेंड करने के लिए 700-800 हजार रुपया ऐसे करके दे देती है, लेकिन आप क्या दे रहे हो, 201 रुपया दे रहे हो, जिसमें एक नया जियो फोन भी आपको मिल जाता है। अगर एक साल वाला प्लान चुनते हो तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर 1499 है, माइनस 899 करेंगे तो एक साल वाला प्लान चुनोगे तो इसके लिए जियो फोन जो आपको पड़ेगा ना नया वाला, वो 600 रुपया का आएगा। सोच लो, तो अगर आपको रेगुलर जियो फोन पर ही रहना है, आप सोचते हो कि मुझे एक साल दो साल तक जियो फोन ही इस्तेमाल करना है या फिर इसके बाद भी जियो फोन इस्तेमाल करना है, तो दो साल का पैकेज आप ले लो, 201 रुपया का आपको पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से 201 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना है और एक नया जियो फोन लेना है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे अगर जियो फोन ही सिर्फ इस्तेमाल करना होता तो मैं पुराने जो एग्जिस्टिंग नंबर था उसे मैं बंद करवा देता और एक नया जियो फोन ले लेता, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर जियो फोन पर ही रहना है तो साल दो साल बाद तो जियो फोन पर ही रहना है भाई, तो यहां पर जो पुराना वाला जियो फोन है वैसे ही छोड़ देता और एक नया जियो फोन 201 रुपया एक्स्ट्रा देकर मैं ले लेता और दो साल का रिचार्ज भी कर लेता। अब इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, जो जियो फोन लेने जाएंगे तो 1999 वाला पैकेज लोगे तो 1999 ही आपको उनको पे करना पड़ेगा वन टाइम। अगर 1499 वाला लेते हो तो 1499 ही आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई कहां पर 899, कहां पर 1999, 1499। तो भाई सोचो मत, हम लोग क्या करते हैं कि अगर दूसरे दुकान में 10 रुपया सस्ता प्रोडक्ट मिलता है तो वहाँ से हम लोग लेना पसंद करते हैं, या फिर थोड़ा सा दूर जाकर देखते हैं कि 5 रुपया सस्ता मिल रहा तो हम लोग वहाँ से लेते हैं। तो देखो जिनके पास कम पैसे हैं वो तो इस तरह से सोचेंगे ही और बहुत सोचेंगे, जिनके पास पैसे हैं वो सोचेंगे कि चलो 899 या फिर एक नया जियो फोन ही ले लेते हैं भाई, जितना लेना है ले लो। लेकिन भाई हम लोगों को थोड़ा दूर तक सोचना है ताकि सस्ता में मिल जाए। तो थोड़ा दूर ज़्यादा नहीं, मतलब दो साल तक सोचोगे तो आपको एक सस्ता में 201 रुपया में जियो फोन मिल जाएगा। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया, अब आपका मर्जी, अब लेना कैसे है इसके बारे में भी समझ लीजिए। जियो स्टोर पर आपको जियो फोन मिल जाएगा, मैंने बातचीत किया था, बातचीत के दौरान यही पाया कि किसी भी जियो स्टोर पर जो आपका नियरेस्ट है वहां पर जाइए, आपको जियो फोन मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, अपने आईडी कार्ड, जो आधार कार्ड है वो अपने साथ ले जाएंगे, साथ ही साथ जो पैसे हैं, जो पैकेज आप ले रहे हैं वो भी अपने साथ ले जाएंगे। और केवल जियो फोन नहीं मिलता है, उसमें एक नया सिम कार्ड भी आपको मिलेगा। और अगर पुराने सिम कार्ड को चलाना चाहते हैं ये वाला जियो फोन में, या फिर नया वाला जो जियो फोन मिला है उस सिम कार्ड को किसी और जियो फोन में चलाना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि आप चला सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जियो फोन का प्लान जियो फोन में ही चलाइएगा। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है, नियरेस्ट जियो स्टोर से आप ले सकती हैं। आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भाई 201 रुपया इफेक्टिव पड़ रहा, कैसे पड़ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और वहां पर मात्र 201 रुपया में ले लीजिए, जिसमें आपको एक साल का तो फोन का वारंटी ही मिल जाता है, बाकी की एक साल जो है आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।